सब्जेक्ट को में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे वर्डप्रेस के बारे में कि वर्डप्रेस क्या है और ये कैसे काम करता है और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो इससे पहले मैं बता दूं आपको कि सब्जेक्ट को चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो आपको जो है उसकी जानकारी मिलेगी। और हाँ, इसके लिए जो आपको बेल आइकन भी दबा देना है। तो आइए जानते हैं वर्डप्रेस के बारे में। तो देखिए, वर्डप्रेस जो है एक ओपन सोर्स है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी कि इसको जो है आप कह सकते हैं कि ये जो है एक CMS है, यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और वर्डप्रेस, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो कि वर्डप्रेस है क्या। तो वर्डप्रेस जो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ब्लॉगर की तरह नहीं है, ब्लॉगर से जो है बिल्कुल अलग नहीं है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है और इसका यूज करके आप जो है एक अच्छा खासा वेबसाइट या ब्लॉग जो है बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है गलती भी कम है और इम्प्रूवमेंट भी ज्यादा है। और इसमें और भी बहुत सारे खास चीजें हैं जिसके बारे में हम आगे जो है जानेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। वर्डप्रेस जो है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये तो आप जानते ही हैं। इसका शॉर्टकट तरीका है कि आप जो है जब भी वर्डप्रेस के बारे में जानना चाहें तो वर्डप्रेस जो है सॉफ्टवेयर है। तो वर्डप्रेस को कहा जाता है कि वर्डप्रेस एक CMS है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि CMS है, लेकिन CMS का मतलब नहीं बताते। तो देखिए, मतलब जो होता है वो होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप जो भी काम करेंगे उसको जो है ये मैनेज करेगा, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है वेबसाइट बनाने में। बहुत समय पहले बताता हूं मैं, जब ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं थे तब की, तब क्या था, कोई भी वेबसाइट अगर आपको बनाना है तो पहले खुद का एक CMS बनाना पड़ता था। उसके बाद जो है हम वेबसाइट बनाना शुरू करते थे, तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस जो है लग जाता था, बहुत टाइम लगता था वेबसाइट बनाने में। लेकिन आज के डेट में वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज जो है बहुत सारे CMS जो है हमें मिलते हैं, कुछ फ्री में है और कुछ पैड भी है। तो हम जो किसी का भी यूज करके वेबसाइट जो है किसी भी तरह के वेबसाइट को अच्छे तरीके से जो है डिजाइन कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए, वर्डप्रेस जो है इसे जो है मैट मुलेन बेज ने बनाया था। आप जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। मैट मुलेन वर्ड जो है एक डेवलपर थे, उन्होंने जो है इसको शुरू किया था, ठीक है, वर्डप्रेस बनाया था। और इसको जो है 27 मई 2003 को जो है लॉन्च किया गया था। 27 मई 2003 को इसको लॉन्च किया था, और तब ये जो है इतना पॉपुलर नहीं था। तब इसको जो है टेस्ट के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन तभी जो है इसको लॉन्च भी कर दिया गया था। और ये वर्डप्रेस जो बना है ये PHP और MySQL पे बना हुआ है। ये दोनों भाषा है कंप्यूटर की जिस पे जो है बना हुआ है। तो PHP और MySQL पे ये बना हुआ है। और जो भी चीज PHP पे बना होता है उसको आप जो है अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस ला सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार, ठीक है। और इसके जैसे और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करें हम तो पहला आता है जूमला, ड्रॉपर, टम्बलर, ठीक है, वर्डप्रेस की तरह ही है ये, ठीक है। तो ये सारे जो है ये सब भी इसी तरह के सिस्टम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये सब भी। और वर्डप्रेस पे 74 यानी कि 74 से भी ज्यादा बिलियन जो है वेबसाइट बना हुआ है। यानी कि जो भी वेबसाइट आप देखते हैं ज्यादातर इंटरनेट पे, बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो पहले खुद CMS बनाए हैं और तब बने हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी वेबसाइट भी है जो वर्डप्रेस का यूज करके बहुत जल्दी अपना वेबसाइट जो है तैयार कर लिया और बहुत ही फेमस वेबसाइट बन चुके हैं वो, ठीक है। तो ऐसे जो है बहुत सारे वेबसाइट है। और इस पे जो है अभी 36,000 से भी ज्यादा जो है प्लगइन्स आ गए हैं। और ये सिर्फ फ्री प्लगइन्स की बात कर रहा हूँ मैं, पैड प्लगइन्स अगर जाएंगे आप तो ये भी कम से कम आपको मिलेगा 10,000 से ऊपर, ठीक है। तो वर्डप्रेस पे इतने सारे प्लगइन्स जो है आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है 1,000 से भी ज्यादा थीम जो है आपको मिल जाता है वर्डप्रेस पे। साइट अगर बनाते हैं तो थीम, थीम का मतलब होता है डिजाइन, जो ऊपर का एरिया आप देखते हैं साइट में उसे थीम कहा जाता है, टेम्पलेट कहा जाता है, डिजाइन कहा जाता है, ठीक है। तो वो जो है आप जो है यहाँ पे ले सकते हैं, फ्री में आपको मिलता है वर्डप्रेस पे। और वर्डप्रेस जो है ये एक ओपन सोर्स है, यानी कि पहले से बनाया जा चुका है। और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस वर्डप्रेस डाउनलोड करना है, अपना जो है होस्टिंग लेना है, एक डोमेन नेम लेना है, और उसके बाद साइट या ब्लॉग जो है आप तैयार कर पाएंगे, ठीक है। और वर्डप्रेस में बहुत सारे सिक्योरिटी के प्लगइन भी आते हैं, कुछ फ्री है और कुछ पैड भी है। तो उनका यूज करके आप जो है एक अच्छा खासा ब्लॉग जो है बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वर्डप्रेस है क्या। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है और वर्डप्रेस का यूज किया जाता है वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के लिए। लेकिन वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है, लेकिन इसका यूज करने के लिए जो आपको थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर वेबसाइट या ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो आपको एक डोमेन नेम चाहिए, ठीक है, और होस्टिंग चाहिए, दो चीजें जो आपको चाहिए होता है, और एक सिक्योरिटी, तीन 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 हो गए। वैसे आप दो पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी नहीं यूज करना चाहते हैं तो इस छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है।
तो तीन चीजें हो गई, डोमेन नेम, होस्टिंग, सिक्योरिटी। ये तीन चीजें अगर आपने यूज कर लिया, आपने खरीद लिया है, उसके बाद जो है वर्डप्रेस आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है सभी के लिए, तो वर्डप्रेस जो है ले सकते हैं। उसके बाद वर्डप्रेस के प्लगइन्स यूज कर सकते हैं, वर्डप्रेस के थीम यूज कर सकते हैं और अपना वेबसाइट या साइट जो है बना सकते हैं। तो आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस पे साइट ब्लॉग कैसे बनाते हैं। फिलहाल ये वीडियो इस बारे में था कि वर्डप्रेस है क्या। तो वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ब्लॉगर से बिल्कुल अलग है ये। वर्डप्रेस का यूज किया जाता है वेबसाइट या ब्लॉग बनाने के लिए, और वर्डप्रेस का यूज करने के लिए आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा wordpress.org से, ठीक है, www.wordpress.org से वर्डप्रेस डाउनलोड कीजिए। लेटेस्ट वर्जन, जो नया वर्जन आया होगा, उसको डाउनलोड कीजिए और उसके बाद उसको जो है अपने वेबसाइट में ले जाइए, वहां पे अपलोड कीजिए, और उसके बाद जो है फ्री के थीम यूज कर सकते हैं या पैड थीम ले सकते हैं, जैसा भी आपका मन करे, ठीक है। और उसके बाद जो है एक अच्छा खासा जो है साइट या ब्लॉग जो है बना सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है टैग वगैरह यानी कि गूगल रैंक कराने के लिए भी जो है वर्डप्रेस ब्लॉग जो है बहुत बढ़िया होता है, साइट बहुत अच्छा होता है इसका, ठीक है, रैंक भी जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है अलग अलग लोगों ने हेल्प कर रखा है। वर्डप्रेस पे अलग अलग डेवलपर्स है, अलग अलग थीम बनाने वाले लोग हैं, प्लगइन बनाने वाले हैं, और वर्डप्रेस का जो है 15 दिन में या हफ्ते दिन में जो अपडेट भी आता रहता है, और यहाँ पे बहुत सारे जो सिक्योरिटी के भी चीज लगे हुए हैं। तो वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, ये आपने जान लिया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया, आप समझ चुके हैं वर्डप्रेस के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।